एमपी में चुनावी साल में कांग्रेस और केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया के बीच घमासान तेज हो गया है। एक बार फिर ये नजर आया युवा कांग्रेस के इस ट्वीट के बाद, जिसमें लिखा है कि फिर उसूलों पर आंच आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया ने हटाया ट्विटर से बीजेपी का नाम, बस क्या था। इसके बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा होने लगी, क्या सिंधिया पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लोग इस बात के मायने निकालने लगे। इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए ज्योतिराय सिंधिया ने भी जवाब दे दिया और लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगंडा फैलाते हैं। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा, अगर जनता की मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार न जाती। यानी कांग्रेस के वार पर सिंधिया ने भी करारा जवाब दे दिया है। आपको बता दें, एमपी में चुनावी साल में कांग्रेस और सिंधिया में जमकर जंग नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर ये दिखी जाती है। जहां तक ट्विटर हैंडल पर बीजेपी लिखने वाली बात है, तो ज्योतिराय सिंधिया ने अपने ट्विटर बायो को पिछले 2 साल से बदला नहीं। बीजेपी सरकार में और भी कई केंद्रीय मंत्री हैं जिनके ट्विटर हैंडल पर बीजेपी नहीं लिखा है। फिलहाल कांग्रेस के इस वार पर सिंधिया ने पलटवार जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।